नमस्कार, मैं मावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। युवा कांग्रेस के महासचिव सामा रूपेश रेड्डी ने बेला मंडल के मसलबी ग्राम पंचायत के अंतर्गत तलाईगुड़ा गांव का दौरा किया। इसके पहले मैं मावली ने ये कवरेज किया था और उनकी समस्याओं के बारे में जनता को बताया था। ग्रामीणों से गांव की समस्याओं के बारे में पूछा गया। इसका मुख्य कारण यह है कि गांव में पिछले 28 साल से कठिनाइयों का सामना कर रहा है, खास कर जब से वन अधिकारी हर विकास कार्य में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सड़क सुविधा न होने के कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो गर्भवती महिलाओं हो, अस्पताल में ले जाना हो या तो फिर कोई सामान इस गांव में लाना हो। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के महासचिव सामा रूपेश रेड्डी ने कहा है कि वो तलाईगुड़ा गांव की समस्याओं को आदिलाबाद जिला विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी और जिला प्रभारी मंत्री सीतक्का के ध्यान में ले जाएंगे। बताया जाता है कि न सिर्फ सड़क की समस्या जस की तस है, बल्कि गांव में बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ग्रामीणों को परेशान न किया जाए और आने वाले दिनों में गांव में विकास कार्य अनिवार्य रूप से कराया जाए। इस कार्यक्रम में मसलबी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश पाटिल, ढोटे ईश्वर, कन्या राजू और ग्रामीणों ने भाग लिया। రేషన్ షాప్ తెచ్చిన ఇప్పుడు బేలల ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ కబ్జా చేస్తే మేము కులబెట్టి మేము కట్టుకుంటే మాకు ఏం తప్పున్నాయి